चलिए मेरे साथ मिलकर आप जरा बोलिए, अगर आप श्रीलंकन है तो और जोर से बोलिए, हम विराट कोहली का कैच नहीं छोड़ेंगे, हम विराट कोहली का कैच नहीं छोड़ेंगे, और अगर छोड़ेंगे तो फिर भैया वो आपको धो देंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। दो कैचेस छोड़े विराट कोहली के और फिर विराट कोहली ने जड़ दिया एक और शतक। पिछले दो लगातार ओडीआई मुकाबलों में शतक जड़ चुके हैं, वो डेड रबर में मारा था, यहाँ पे प्रॉपर पहले मैच में जड़ दिया है। भारत ने बनाया 373, और पहली बार ऐसा लगा कि 373 भी यार थोड़े कम नहीं रह गए, 425 बन सकते थे, इतनी पिटाई की है भारतीय बल्लेबाजों ने। एक और बात जो है वो अब हमें अच्छी तरह समझ में आ गई है, वो यह है कि दसुन शनका जब ये भारत के खिलाफ खेलते हैं तो फिर अलग ही हो जाते हैं यार, क्योंकि शतक इन्होंने भी जड़ दिया है, ऑफ कोर्स इन अ लूजिंग कॉज, बट इट वाज अ हाई स्कोरिंग एनकाउंटर गुवाहाटी के मैदान पर। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन हैशटैग आकाशवाणी। हैशटैग आकाशवाणी। अब आकाशवाणी पे ये कल के मैच की कहानी, क्या पिटाई की है यार, ऐसे कौन करता है यार, ये कोई बात मतलब अच्छी बात है कि इस तरीके से किसी की पिटाई की जाए, क्योंकि शुरुआत ही ऐसी हुई। टॉस जीता श्रीलंका ने और कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे, और ये थोड़ी ना कहा था कि हम टॉस जीत रहे हैं हम पिटाई खाएंगे, पर ऐसी हुआ। रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल आए और उसके बाद पहले ओवर से धुनाई करनी शुरू कर दी गई थी। एकदम सपाट पिच, एकदम रोड जैसी पिच थी, और उसके ऊपर कमाल बैटिंग की रोहित शर्मा ने, शुभमन गिल ने, और पहली जो ओपनिंग साझेदारी थी वही अलग अलग अंदाज थी भाई साहब, क्योंकि आई जस्ट टेल यू एग्जैक्टली, चेक कर रहा हूँ मैं, 143 रन की पहली विकेट की साझेदारी थी, जो कि मात्र 19.4 ओवर में आ गई, मतलब 7 रन प्रति ओवर आप पिटाई कर रहे हो, दोनों छोरों से पिटाई हो रही है। शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, वो भी दसुन शनका करते हैं, भाई दसुन शनका अलग आदमी है यार, रिचर्ड हेडली एंड विमन रिचर्ड्स का वो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं भारत के खिलाफ, ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। बॉलिंग करना इनको पसंद नहीं है, कम बॉलिंग करते हैं, पर जब करते हैं तो फिर विकेट इंडिया के अगेंस्ट तो पक्का चटकाते हैं। रोहित शर्मा, ऐसा लग रहा था कि शतक जड़ देंगे, एक जीवन दान सा भी मिला था, हाफ अ चांस, DRS एंड ऑल ऑफ दैट, पर मधुशंका के शिकार बनते हैं, वो आउट हो जाते हैं। अब विराट कोहली जी मैदान पर है, विराट कोहली जी जब मैदान पर हैं और अच्छे अंदाज में आए थे शुरुआत, मतलब राणा बॉल अच्छे से शुरू में खेल रहे थे, राणा बॉल से भी बेहतर खेल रहे थे, ही वॉज एक्चुअली ऑन सॉन्ग फ्रॉम द स्टार्ट, पर उसके बाद कुशल मेंडिस उनका एक आसान सा कैच छोड़ते हैं कॉट बिहाइंड, वो कसुम रजिता की गेंद पर होता है, उसके बाद एक और कैच छूटता है, वो दसुन शनका कवर में छोड़ते हैं, उसके बाद भैया ये नहीं छोड़ते हैं, ये जड़ देते हैं शतक, विराट कोहली का एक और शतक। ओडीआई शतकों में अब ये मतलब अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, घर पे मारे जो मारे गए शतकों में अगर देखें, ही इज इक्वल सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड, 20-20 घर पे शतक जड़ दिए हैं, और वनडे शतकों की जो सूची है उसमें पता नहीं 44-45 कहाँ पहुँच रहे हैं, बिल्कुल भाई साहब आसमान से बातें कर रहे हैं। पर उनके साथ साथ वो श्रेयस अय्यर, वो अमूमन श्रीलंका के खिलाफ आउट नहीं होते हैं, पर सबने माइंड सेट बनाया हुआ था कि अपन को 400 तक जाना है, जो कि एक्चुअली एक समय लगा कि संभव है, क्योंकि जब KL राहुल बैटिंग कर रहे थे 39 रन बनाए उन्होंने 29 गेंदों में, he was good, but then towards the end Sri Lanka made a comeback। अब आप कहोगे ऐसा कैसा कमबैक हुआ, ये तो मतलब 373 आपने रन खाए हैं उसके बाद क्या कमबैक है, लेकिन आखिरी 17 गेंदों पे वो 18 गेंदों पे 17 ही रन आए थे, तो दे एक्चुअली मेड अ कमबैक। कसुम रजिता अपना शतक मिस करके 12 रन से 10 ओवर में 88 रन उनको पड़े, 3 विकेट उन्होंने चटकाए। वनिंदु हसरंगा फॉर अ चेंज इवेंट विकेटलेस, शायद थोड़ी सिलेक्शन का भी मुझे लगा कि थोड़ा इशू है, शायद वो सोच रहे थे कि बाद में कहीं बॉलिंग आ जाएगी तो हमें महेश तीक्ष्ण काम नहीं आएंगे, अन्यथा थोड़ी ज़्यादा वो फास्ट बॉलिंग के विकल्पों के साथ उतरे, वो एक महेश तीक्ष्णा को आप खिला सकते थे, धनंजय डिसलवा को ज़्यादा गेंदबाजी करा सकते थे, क्योंकि श्रेयस को उन्होंने विकेट चटकाया, थोड़ा और ओवर डाल सकते थे, ऐसा मुझे लगा प्रतीत हुआ। भारत ने देखिए नहीं खिलाया शुभमन ईशान किशन को, तो एक इट्स अ लाइन इन द सैंड कि हम जो प्रोसीजर है हम उसको फॉलो करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हमारी प्रोसेस ये है कि जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चल रहा है हम उसके साथ रहेंगे, बीच में आके कोई दोहरा शतक भी बनाएगा तो हम उसको नहीं खिलाएंगे, ठीक है। अब अगर ईशान नहीं खेल रहे तो KL राहुल ने तो खेलना ही था, इसमें कोई डाउट नहीं, और KL राहुल के अगर आप पिछले एक साल के वनडे के रन देखेंगे ना तो आप कहोगे यार बात भी कैसे कर रहे हो, इनको तो खिलाना चाहिए, ही इज अ डैम गुड प्लेयर, तो ही वॉज प्लेइंग विच इज एब्सोल्युटली राइट, यानी कि सूर्य कुमार यादव के लिए जगह नहीं थी, जगह तो वैसे बाय द वे कुलदीप यादव के लिए भी नहीं थी, कोई बात नहीं कर रहा उनकी, सब कह रहे बुमरा नहीं है, लेकिन अगर आप बुमरा और कुलदीप यादव के आप आंकड़े देखें, दिलीप मोहंती जी का एक ये ट्वीट हम डाल देते हैं, आप जरा देखिएगा, उन्होंने एक स्टैट का ग्राफिक सेट डाला है कि ऑलमोस्ट इक्वल है हर चीज़ में, विकेट्स में, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज में, सब कुछ में ऑलमोस्ट बुमरा बराबर चले हैं, कुलदीप यादव बिल्कुल एकदम नेक टू नेक, तो फिर बात क्यों नहीं करते उनकी कि भाई कुलदीप यादव को खिला लो, भारत ने नहीं खिलाया, दैट्स अ सेपरेट इशू। पर उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आती है तो मोहम्मद सिराज वाज अनस्टॉपेबल,
ही वॉज ब्रीदिंग फायर, मतलब जो शुरुआत उन्होंने गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी की, अविष्का फर्नांडो को आउट किया, उसके बाद कुसल मेंडिस को जीरो पे आउट किया, कुसल मेंडिस का तो मैच ही खराब हो गया, मतलब पहले कैच छोड़ा विराट कोहली का, उसका जीरो पे खुद आउट हो गए, उसके बाद उमरान मलिक वॉज ब्रिलियंट, ऑफकोर्स उन्होंने 3 विकेट चटकाए, 2 विकेट मोहम्मद सिराज के खाते में थे, लेकिन एक बड़ा इंसिडेंट हुआ इस मैच में, वो था दसुन शनका का। दसुन शनका 98 पर थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, मोहम्मद शामी ने उनको रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड किया, अब उन्होंने कर दिया, वो आउट थे एक्चुअली, पर रोहित शर्मा विड्रू दी अपील, उनका बाद में कोर्ट भी पड़ रहा था, उन्होंने कहा मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ हुआ है, कितना अच्छा बंदा खेला है, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इस तरीके से नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट करें, तो हमने विड्रॉ कर लिया अपील। Now the big question here is, I mean, right or wrong, इसमें कोई right or wrong नहीं है, हर किसी का personal फैसला है, पर ये एक as a team मुझे लगता है कि भारत को decide कर लेना चाहिए क्या हम ये करेंगे या हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करने वाले हो तो नहीं कीजिए, फिर ये एक blanket rule हो गया कि हम ये नहीं करने वाले हैं, या फिर आप कहिए कि भाई ठीक है अगर किसी ने कर दिया तो we are not going to withdraw the appeal, क्योंकि इसमें ऐसा क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शामी तो गलत थे और रोहित शर्मा सही थे, पर यू डोंट वॉन्ट डू दैट राइट। तो मुझे पर्सनली इस बात में थोड़ी सी बात 50-50 लगी कि एज अ टीम यू मस्ट मेक अ स्टेटमेंट, अ रूल कि भैया हम ऐसा चलने वाले हैं, और ये कंडीशन अप्लाई नहीं है, कंडीशन अप्लाई इसलिए नहीं है कि अगर हम फंसे हुए हैं, हमारी टीम हार रही है तो हम कर देंगे, हमारी टीम अच्छा कर रही है तो फिर हम नहीं करेंगे, कोई 98 पे तो नहीं करेंगे लेकिन वो 8 पे तो हम कर देंगे, आई मीन ये इट्स नॉट ओके इन माय ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड, मेरे हिसाब से इट्स एब्सोल्युटली लेजिट, अगर कोई भी चीज़ लॉज के अनुसार है तो वो क्रिकेटिंग एथिक्स के अगेंस्ट नहीं हो सकती। अब अगर उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, मतलब आप भी बताइए कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या टीम को रूल बनाना चाहिए या फिर जैसे मतलब कभी कर दो कभी मत करो, गो एज लाइक यू प्ले एज यू गो अलॉन्ग, आई मीन मैं ये आपके साथ जानना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि टीम का एक फिलॉसफी होना चाहिए और उसके अंदर फिर कभी बॉलर सिंगल आउट ना हो जाए कि भाई इसने कर दिया मैं तो नहीं चाहता था, दैट समथिंग दैट लीव्स अ लिटिल सावर टेस्ट इन द माउथ। पर एनी हाउ इंपॉर्टेंट रन जो थे वो पथुम निसंका अच्छा खेलते हैं, 72 रन उन्होंने बनाए, शुरुआत में बहुत अच्छा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल रहे थे, 108 तो बनाए, ऑफकोर्स शनका ने 47 बनाए, धनंजय डिसिल्वा ने, भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो चहल के खाते में 1-3 विकेट, उमरान मलिक से विकेट टेकर यार, बैस सिंपल एज दैट, विकेट चटकाता है जब भी आता है, कभी भी खिलाओगे, मिडल ओवर्स में गेंदबाजी डंडों पे बॉल मारता है, ही इज दैट गुड, तो उनको मतलब नोट टू सेल्फ है कि फैंटेसी टीम में ड्रॉप नहीं करना विकेट टेकर। पर कुल मिलाकर भारत पहला मुकाबला जीत गया, एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, 600 मतलब 80 रन बन गया ऑलमोस्ट 50 ओवर के मैच में, ऐसा भी होता है, बॉलर्स की बहुत पिटाई होती है, इंडिया 1-0 से श्रृंखला में आ गया, इंडिया श्रृंखला जीत जाएगा इवेंचुअली हम सबको ये लगता है, बाकी मतलब चांद में दाग ढूंढने वाली बात है कि भाई कुछ कमियां निकाली जाएं, सबने जो था सपाट पिच पे बॉलिंग ठीक ठाक हो गई, बैटिंग सबने अच्छी करी ली है, आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट फिंगर्स एट श्रेयस अय्यर या फिर कुछ और, क्योंकि सबने अपना काम किया है, ये वाला मैच ना बड़ा इजी मैच रहा भारत के लिए, अगले मैच की तैयारी करेंगे जो कि होने वाला है कल, उसकी बात कल करते हैं, अभी क्या करना है उनको, अभी उनको जियो सिनेमा पर जाना है, वाईकॉम 18 पर जाना है, काम करना है, SA20 का उनको एक प्रीव्यू भी करना है, एक्चुअली नए रूल्स आए हैं, नए रूल्स हैं इस लीग में और आप जानना चाहेंगे कि क्या रूल्स हैं, जो फ्रार्च इज ऑल्सो बैक दैट्स ऑल्सो कमिंग इन अ लिटिल वाइल, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, प्लीज डू चेक इट आउट फॉर ऑल फैंटेसी क्रिकेट टिप्स एंड टीम्स, और दूसरा वीडियो भी देख लो क्योंकि जोफ्रा आ गया भाई, आ गया जोफ्रा, आर्चर ने किया बैट्समैन का डिपार्चर।